गेमर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर GTA San Andreas वीडियो। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं अपने रॉयल मेंशन में मौजूद हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, काफ़ी सारी गाड़ी और कार्स और मैंने बाइक भी दिखाई थी आपको, एंड इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं अपना रॉयल मेंशन जो कि अपने मोड से आया। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो अपना हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। तो ये रॉयल मेंशन की प्लेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नीचे से आप देख सकते हो कैसे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। अभी अब मैप में आपको नज़र आ रहा होगा मेरे एक इलाके पे अपना गैंग वालों ने हमला कर दिया, बट यार उसको बाद में देखेंगे, अभी जाके उनसे वापस ले लेंगे। और मैं आपको सबसे पहले तो अपने मेंशन का टूर करवाता हूँ, सारा मेंशन दिखाता हूँ। देख सकते हो आप नीचे की तरफ बेडरूम है और इसका भी बाहर की तरफ शीशा लगा हुआ है, तो सारा ओपन है, ठीक है। ऐसे जैसे रॉयल मेंशन होता है, इस साइड पर मेरा गराज वगैरह है, तो ये अपने रॉयल मेंशन की एंट्रेंस है। इस साइड में मेरे गैराज हैं, देखो सब के सब हैं सही, मतलब खुलते हैं लेकिन खाली पड़े हैं। और इस वक्त मैं अपने रॉयल मेंशन में मौजूद हूँ और लेट्स स्टार्ट। पूरा टूर आपको करवाऊंगा इस रॉयल मेंशन का। ये बहुत ही ज़्यादा यार बड़ा लग्जरी, और ये बंदा मैंने रखा हुआ है, मतलब कि गेम खेलने वाला कोई मेरे साथ नहीं होता तो ये बंदा होता है। सो ये अपना मिनी ऑफिस है। पैसा आप देख सकते हो, पैसे की तो भाई भरमार है, उसे छोड़ो। एंड इस साइड पे वॉशरूम है जो कि क्लोज है, खुलता नहीं है। और ये एक बेडरूम, ये है एक इसके ऊपर बिल्कुल एक और बेडरूम है। बाकी यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह तो आप देख ही सकते हो। इधर छोटा सा किचन टाइप है, बट हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इन बर्गर बॉयज़ बर्गर सिटी ऑर्डर कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे बैक साइड है, बैक साइड से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं जहाँ के मेरा हेलीपैड है, उस पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ। हेलीपैड तो नहीं है वैसे, बस रूफ है, उसके ऊपर मैं अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवा देता हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जिम, मिनी जिम अपने इस घर में इंस्टॉल करवाई है ब्रो, ये भी काफ़ी अच्छी है। और इस साइड पे वॉशरूम है, और एक ये रूम है जो कि ऊपर वाली साइड पे गेम से वगैरह यहाँ पे आराम से भाई चहल कदमी बंदा कर सकता है, ठीक है। नीचे की तरफ सारा हाउस नजर आ रहा है, तो है छोटा सा बट लग्जरी है। और लोकेशन काफ़ी अच्छी है, लोकेशन की वजह से मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये मूड किया। और ये भी एक मूड से हुआ है, एंड अगर आपको ये मूड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आग जो आप तो देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, बट ये किसी बंदे को लग नहीं सकती है बिकॉज यहाँ पे गिलास लगा हुआ है, और गिलास ऐसा है कि जिसको आग कुछ नहीं कह सकती। अपने पीछे लैम्बोर्गिनी खड़ी है, लैम्बोर्गिनी SVJ पता नहीं कौन सी है, सियान है शायद, लैम्बोर्गिनी सियान है। और ये भी कोई सुपर कार है, बट इनके बारे में मुझे नहीं पता कौन सी है। अभी ये क्यों नहीं खुल रहा, ऐसे खुलता है अभी के लिए नहीं खुल रहा। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में मैं आपको बाइक दिखा रहा था अपना 125, बट प्रॉब्लम ये था कि वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो वीडियो बंद हो गई थी, रिकॉर्डर मेरा ख़राब था। सो अब दिखाता हूँ मैं आपको बाइक, ये चेक कर सकते हो यार, बंदा इस पर आराम से नहीं बैठ सकता एज़ कम्पेयर टू CD, बिकॉज CD जितनी मर्जी यार टक्कर लग जाए ना, वो इतनी आसानी से गिरता नहीं है। एक तो इस पर इतनी आसानी से गिर जाता है, और अगली बात इसके स्लिपरी बहुत है, आप देख रहे हो। ये देखो अभी मैं इसको घुमाता हूँ, एंड स्लिप बहुत होता है। ये इस मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा यही मसला है जिसकी वजह से मैं इसको लेके नहीं जाता हूँ, ठीक है। बाकी है फुल ओरिजिनल जैसे होता है, मतलब थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन तो हर किसी में होती है, और मूड्स में भाई इतने ओरिजिनल भी नहीं आ सकता है। अभी मेरे पास स्नाइपर है जूम करके दिखाने के लिए, स्नाइपर का आप एम देख सकते हो, ये भी GTA V वाला है। एंड अभी इसकी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से नंबर प्लेट है RB Al Sheikh अल हबीबी वाली नंबर प्लेट मैंने लगवाई हुई है। एंड अभी बनता है, ओ भाई खैर, ओ मेरा मोटरसाइकिल लेके भाग गया ये भाई, किधर गया, अरे नज़र ही नहीं आया भाई, मोटरसाइकिल लिया और भाग गया, कमाल है यार। हम लोगों के वो कहते हैं ना कि चोर के घर चोरी हो गई है, वही बात हुई है, चोर के घर चोरी है। गाड़ियाँ देख सकते हो यार कितनी लग्जरी कार जा रही है, बट यार मेरे पास इससे भी ज़्यादा महंगी कार है, मुझे क्या ज़रूरत। और अभी के लिए हम चलते हैं अपने शोरूम में जो कि हमारा आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का लो सिटी जो भी होता है GTA San Andreas में, तो उस शोरूम पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको कुछ कार सिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम अपने शोरूम पे आ गए हैं, अभी खुल जा, आज तो हम शोरूम पे आ गए हैं अपने, तो अभी अंदर की तरफ देख सकते हो कार्स खड़ी हैं। अभी मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि एंट्रेंस काफ़ी दूर से हो गई है, गिलास के अच्छे वाले तो नहीं लगवा लिए, टूट जा भाई टूट, हाँ टूट गया, इतने अच्छे वाले गिलास कहाँ से आ गए GTA San Andreas में। तो टोयोटा एक्वा भी मैंने आपको दिखा दी थी, और ये एक और गाड़ी है यार, ऑल्टो है पता नहीं कौन सी है, पाकिस्तानी नंबर प्लेट देखो इसके लगी है, लाहौर की नंबर प्लेट है, 5706 मॉडल है भाई,
टोयोटा की है, ठीक है, ये भी काफ़ी मस्त कार है। इसको मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ इसका। भाई सामने की तरफ मीटर ही नहीं है, मीटर पता नहीं कहाँ से खुलता है इसका। तो अभी मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें मज़ा नहीं है। अभी नीचे की तरफ ना मेरी विड्स खड़ी है, मीटर 93 है। हाँ वाह भाई, क्या क्या कार है यार, तालियाँ शाबाश, क्या कार है यार, ये मीटर है इसका 93 है, बहुत अच्छे। अच्छा अभी नीचे की तरफ मेरे पास खड़ी हुई है टोयोटा विड्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है CRV टोयोटा की है, ये भी SUV है एंड काफ़ी अच्छी कार है चलने में। इसमें ये भी बहुत अच्छी है लैंड क्रूजर की तरह, ठीक है। और ये अपना भी सुपर है, उधर एक्वा खड़ी है। यार मुझे टोयोटा विड्स नहीं मिल रही, वो इसमें एक्वा ही है। और एक और शोरूम भी है, वहाँ पर चल के देख लेते हैं, शायद से वहाँ पर हमें वो गाड़ी मिल जाए। श्योर नहीं है, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि वहाँ पे मिलेगी, और मुझे शोरूम का भी इतने अच्छे से नहीं पता कि कहाँ पे है वो। तो इस एरिए में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे वो शोरूम नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे मैंने आखिरी बार लास्ट टाइम टोयोटा विड्स देखी थी, ठीक है। शोरूम आई थिंक यही था, हाँ। तो मुझे याद आ गया, मैंने मूड किया था, बल्कि अभी मेरे पास वो मूड नहीं है। वो मूड काफ़ी ज़्यादा हैवी था, गेम मेरी क्रैश होने लग गई थी, तो इसलिए मैंने वो रिमूव कर दिया। वैसे है सही अभी भी टोयोटा विड्स, बट यार अभी मुझे ये नहीं पता है कि उसका नाम क्या है और काम क्या है उसका, ठीक। तो अभी मुझे नाम पता तो मैं देखो यार यहाँ से डायरेक्ट उसको मैं स्पैन कर लेता, बट तो यहाँ पे नहीं है मेरे पास। और भी काफ़ी सारी कार्स हैं आप देख सकते हो। अभी हम लेंगे अपनी भाई ग्रैंडी, ग्रैंडी चलाते हैं अभी, ये बाइक्स आ गई हैं एंड ये ग्रैंडी आई अपने ग्रे कलर में। सो लेट्स स्टार्ट ग्रैंडी चलाते हैं। एंड और भी मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इक्वाइप की हुई हैं, हुड मूड वगैरह, पिछली वीडियो में आपको बता दें तो था यार। सो लेट्स स्टार्ट, मैं इतना अपनी ग्रैंडी को सीधा करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये गाड़ी देख रहे हो डब्बा सी, बहुत छोटी सी गाड़ी है, पता नहीं है कहाँ से आ गई है, मैंने तो नहीं की। बस में गेम है मेरे पास जो GTA अमृतसर है, मतलब कि GTA सैन एंड्रियास का अलग से वर्जन है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है उसका, मतलब GTA सैन एंड्रियास का ओरिजिनल वर्जन से अच्छा है। अभी ये देखो कहाँ पे जाके लगी है, चल रहे भाई चल रहे। टू व्हीलिंग हो रही है, ठीक है ठीक है, सीधा अभी फटेगी, अब फटेगी भाई, ठीक है। तो गाइस इसको भी मैंने आपको दिखा दिया एंड अभी चलते हैं अपने पास जो अपना इलाका था जहाँ पे गैंग वॉर हो रही चल रही है अपनी। ओ भाई अभी तक चल रही है, अरे क्या यार ये क्या कहूँ इनको मैं, मेरे गैंग के भी भाई ऐसे ही बस COMC जो भी समझो ऐसे बंदे हैं, और उनकी गैंग के भी ऐसे ही हैं भाई, कोई भी नहीं जीते हैं, ना मेरी गैंग वाले ने कुछ किया ना उनके गैंग वाले ने। वार चल रही है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल भाई सुकून है, आराम है। वार कहाँ हो रही है फिर, मुझे निशान तो यही दिखाया उन्होंने कि मैप में भी कि यहाँ पर वार चल रही है। विकास वालों ने शायद से हमला किया है, बट है कहाँ पे, इस साइड में चल के देखते हैं शायद यहाँ पे हूँ। ओ आ गए भाई बंदे आ गए, शॉटगन निकालो, शॉटगन बजाएंगे आज तो। हाँ जी भाई, ओए भाई बंदे तो भाई अच्छे मार रहे हैं, शॉटगन कौन मार रहा है मुझे, अबे तेरी भैंस की टांग, शॉटगन मार रहा है, शॉटगन। ओ भाई ये क्या है यार, यार गैंग वॉर करवा लो या फिर यहाँ पे गाड़ियाँ भेज दो। तू कहाँ से आया, ये सही है भाई, बर्गर शॉट वाला भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है, वो मुझे आके मार रहा है मेरे इलाके का, बट उनके साथ आके मुझे मार रहा है। मरीन रहा पता नहीं यार कितनी इसने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई है, अभी देख रहे हो रेड पे कलर आ रहा है, ख़त्म हो गया। अब जिन थक गया ये, मरा तो है नहीं, ख़त्म हो गया मुझे लगता है, खेत की मूली है। अभी एक और बंदा बचा है, मार रहा है, पिस्टल ले गया मुझसे लड़ने आया, मुंह दिखाई अपना जरा इधर, रहने दे दीवार के अंदर आ गए। गाइस ये काम इनका अच्छा नहीं है, जब एक सिटी को मैंने अपने अंडर कर लिया है, गैंग वॉर करने के बाद ही अपने जितने भी आप ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, ये मेरी गैंग वॉर के बाद, मतलब मैंने उनसे वॉर की है और वॉर में मैं जीता हूँ उसके बाद ये मेरे पास आया, बट फिर भी इन्हें पता नहीं क्या मसला है। अभी ना मैं इनका एक और एरिया लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी शॉर्ट हाँ अपनी AK-47 निकाल लेता हूँ, इसके साथ भरूंगा इनके, पर AK-47 का ना एम प्रॉब्लम है, मतलब एम ठीक से, ये फिर आ गया भाई, चीज है तू दूरों के बात कर, ओए आए ले
आ जाना।